बिग बॉस से शोहरत बटोरने वाले यूट्यूबर एल्विश यादव अब बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। अच्छी कमाई, ब्रांड वैल्यू और चमकता नाम, ये सब कुछ पहले ही एक झटके में मटिया मेट हो गया था, लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सांपों की जहर की तस्करी के मामले में नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट सूरजपुर कोर्ट में दाखिल की है। चार्जशीट में 24 गवाहों के बयान भी अटैच किए गए हैं, साथ ही इसमें जांच रिपोर्ट से लेकर कॉल डिटेल्स और कई सबूतों को भी आधार बनाया गया है। इस पूरे मामले से तो आप वाकिफ ही हैं कि किस तरह एल्विश यादव रेव पार्टी में सांप और जहर की सप्लाई किया करते थे। 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार भी कर लिया था। वे 5 दिन तक जेल में रहे और होली के पहले उन्हें इस मामले में जमानत भी मिल गई थी। अब रेव पार्टी आयोजित करने और सांपों की जहर की सप्लाई के मामले में फंसे एल्विश के खिलाफ नोएडा पुलिस गुरुग्राम और नोएडा सहित पूरे देश भर में दर्ज मामलों की जानकारी को जुटा रही है। वहीं कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने यह भी बताया है कि एल्विस सपेरों के संपर्क में थे, साथ ही सांपों का जहर खरीदने और बेचने के धंधे में शामिल भी थे। इसके साथ ही जयपुर लैब से स्नेक वेनम की पुष्टि वाली रिपोर्ट भी इस चार्जशीट में शामिल की गई है। एल्विश सांपों के जहर के कारोबार में किस लेवल तक घुसे हुए थे, चार्जशीट में हर एक डिटेल को मौजूद किया गया है। जाहिर है कि एल्विश यादव के खिलाफ आरोप बहुत ही संगीन है और चार्जशीट दायर होने के बाद भी एल्विश का बचना और भी मुश्किल दिख रहा है। इस बीच ये तो साफ है कि एल्विश के लिए सांप ही उनके गले की फांस बन गया है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन न्यूज 18 इंडिया आपको सारी अपडेट्स देता रहेगा।